वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इंटीजर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो इंटीजर्स बेस पे है। पहला क्वेश्चन, इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन, क्लास में बच्चों का टेस्ट होता है जिस क्वेश्चन पेपर पे टोटल 10 क्वेश्चन दिए हुए, क्वेश्चन पेपर पे 10 क्वेश्चन है जिसमें से हर क्वेश्चन जो है 5 नंबर का है। 5 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, यानी कि हर क्वेश्चन का सही जवाब देने पे आपको 5 नंबर प्राप्त होते हैं। एंड और -2 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, यानी कि -2 नंबर जो है वो हर इनकरेक्ट आंसर देने पे आपके 2 नंबर काट लिए जाएंगे, यानी कि उसमें माइनस कर दिया जाएगा। जो आपको सही क्वेश्चन में जो नंबर मिलेगा उसमें से -2 नंबर आपके कट हो जाएंगे, जितने क्वेश्चन आपके गलत होंगे। एंड 0 फॉर क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड, मतलब कि अगर किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट नहीं करता है तो उसको 0 नंबर प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे पहला पॉइंट दिया हुआ, मोहन गेट्स 4 करेक्ट आंसर, मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर। मोहन ने 4 क्वेश्चन का जवाब सही दिया है और 6 क्वेश्चन का जवाब गलत दिया है। तो बताना ये है कि मोहन का क्या स्कोर होगा, सिंपल सा जवाब है देना है। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, करेक्ट आंसर की बात करते हैं। 4 करेक्ट, 4 करेक्ट आंसर, तो 4 करेक्ट आंसर मोहन से रिलेटेड है। तो मोहन के द्वारा बाई मोहन के द्वारा 4 करेक्ट आंसर देने पे उसको मार्क्स कितना प्राप्त होगा। देखिए हर क्वेश्चन पे नंबर है, हर सही क्वेश्चन का आंसर देने पे 5 नंबर प्राप्त हो रहे हैं, तो सही देने पे आपको 5 नंबर प्राप्त होने हैं। तो यहाँ में मोहन ने कितने क्वेश्चन का जवाब दिया, 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है, 4 में 5 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 4 5 से 20 हो जाएगा, तो ये 20 मार्क्स मोहन को प्राप्त हो गया। अब मोहन ने 6 क्वेश्चन का जवाब गलत दिया है, 6 इनकरेक्ट, 6 इनकरेक्ट आंसर बाय मोहन। मोहन के द्वारा गलत जवाब जो दिया गया है वो 6 है, तो 6 इनटू, ध्यान समझिए यहाँ पे 2, यहाँ पे -2 दिया है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 6 टू जा 12 माइनस इसलिए लगा रहे क्योंकि यहाँ पे -2 का निगेटिव पॉइंट है, निगेटिव पॉइंट हो गया और ये पॉजिटिव पॉइंट हो गया। तो यानी कि सही क्वेश्चन पे जवाब उसने 20 दिए, मतलब 20 नंबर मिले, और गलत क्वेश्चन का जो जवाब दिया तो उसमें से -12 नंबर कट हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे उसको मार्क्स कितना मिल रहा है, सिंपल सा उसका मोहन का स्कोर क्या हुआ, हिज स्कोर, मोहन का स्कोर अगर प्राप्त करना है, मोहन का स्कोर जो प्राप्त करना है तो उसको करेक्ट आंसर पे कितने नंबर मिले हैं, 20 नंबर मिले। अब यहाँ पे ये देखिए -12 है, यानी कि इसमें से -12 कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस इसलिए करना पड़ा है क्योंकि निगेटिव नंबर उसको प्राप्त हुआ है। तो सही नंबर, सही क्वेश्चन में जो नंबर प्राप्त हुए उसमें से -12, यानी कि उसमें से 12 आपको निगेटिव मिलाना है, उस नंबर को माइनस कर देना है। तो 20 में से 12 माइनस करेंगे तो बचेगा 8, तो यहाँ पे 8 नंबर उसको प्राप्त होगा, तो इसका स्कोर जो होगा 8 नंबर प्राप्त होगा, 8 मार्क्स इसको प्राप्त होंगे, क्योंकि उसने 20 क्वेश्चन, मतलब कि उसने 4 क्वेश्चन का जवाब सही दिया जिसकी वजह से उसे 20 नंबर प्राप्त हुए, और उसने 6 क्वेश्चन का जवाब गलत दिया तो इसलिए उसको 12 नंबर उसके कैंसिल हो गए -2 नंबर के हिसाब से, तो दोनों को माइनस कर दिया, आंसर आएगा 8। अब इसी तरीके से रेशमा वाला देख लेते हैं, अब रेशमा ने 5 क्वेश्चन का जवाब सही दिया सेकंड में, रेशमा गेट्स
फाइव करेक्ट आंसर। रेशमा को जो नंबर मिलेगा फाइव, हर क्वेश्चन पे उसने पांच क्वेश्चन का जवाब सही दिया है तो पांच क्वेश्चन के हिसाब से उसको नंबर मिलेंगे फाइव इंटू फाइव, ये हो जाएगा 25। 25 उसको मार्क्स मिल गया। अब रेशमा ने पांच इनकरेक्ट जवाब दिए रेशमा के द्वारा, रेशमा गेट्स फाइव इनकरेक्ट, उसने इनकरेक्ट जवाब दिया, गलत क्वेश्चन का जवाब, मतलब कि उसने सही को मतलब क्वेश्चन का जवाब उसने गलत दिया, जिसकी वजह से उसमें से -2 नंबर के हिसाब से उसके नंबर कैंसिल होंगे। तो पाँच फाइव इंटू -2, देखिए यहाँ पे 10 आ जाएगा, -10 निगेटिव, ये दिखाता है कि इसमें से -10 कैंसिल होगा इंटीजर्स में। देखिए 25 में -10 घटाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर ये आ जाएगा, इसको 15 नंबर प्राप्त होगा, 15 मार्क्स उसको प्राप्त हो जाएगा रेशमा को। तो रेशमा का स्कोर होगा 15 का, तो उसके 10 नंबर कम हो गए, सही को सही जवाब सही मार्क्स से उसके 10 नंबर कम हो गए, तो फाइनल उसका स्कोर हुआ 15 का। तो बस इस क्वेश्चन में सिर्फ जवाब करेक्ट क्वेश्चन किसने किए और कितने गलत क्वेश्चन किए उसके हिसाब से ये क्वेश्चन थे। अब यहाँ पे थर्ड वाला देख रहे थे, हीना गेट्स टू करेक्ट, हीना ने दो क्वेश्चन का जवाब सही दिए और पांच क्वेश्चन का जवाब उसने गलत दिए, तो आंसर आउट, आंसर जो दिए उसने टोटल 7 क्वेश्चन का जवाब दिया, 10 में से 7 क्वेश्चन दिए, जिसमें से सी अटेम्प्ट्स उसने 7 क्वेश्चन का जवाब 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और उसका स्कोर प्राप्त करना है। तो वही चीज हीना के द्वारा भी होगा, हीना हीना गेट्स टू टू करेक्ट, टू करेक्ट आंसर, हिना ने करेक्ट आंसर दिए, तो दो के हिसाब से पांच, तो ये आ जाएगा 10, उसे 10 नंबर प्राप्त हो गए। अब हिना ने हिना के द्वारा गेट्स फाइव क्वेश्चन जवाब गलत दिए, उसने पांच क्वेश्चन का जवाब जो हुआ वो इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट आंसर उसने दिए। तो देखिए फाइव इंटू -2, तो इस हिसाब से उसके -10 हो गए। देखिए पांच दो क्वेश्चन का जवाब उसने सही दिए इसलिए उसको 10 नंबर प्राप्त हुए, और यहाँ पे पांच क्वेश्चन का जवाब गलत दिए इसलिए -2 के हिसाब से उसके नंबर -10 कम कर दिए जाएंगे, तो इसलिए उसका क्या हो जाएगा, हीना का स्कोर कितना हो जाएगा, तो स्कोर आप इसको माइनस कर देते हैं, 10 और -10 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो हीना का जो स्कोर होगा वो 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के इस वाले का जो जवाब होगा वो 0 मार्क्स उसको प्राप्त होंगे, सीधी सी बात है, उसने दो क्वेश्चन गलत दिए तो उसको सही, दो क्वेश्चन सही दिए तो इसमें से उसको कितने नंबर मिल गए, 10 नंबर, और पांच क्वेश्चन का जवाब गलत दिए तो इसमें से -10 हो गया, तो फाइनल उसका प्लस माइनस का हिसाब से क्या हुआ, 0, क्योंकि 10 सही नंबर 10 नंबर मिले और 10 नंबर कट गए तो उसका स्कोर क्या बना, 0। तो इसी तरीके से पॉजिटिव और निगेटिव मार्क्स से रिलेटेड है, किसी मतलब सही क्वेश्चन का जवाब देने पर नंबर बढ़ेंगे और गलत क्वेश्चन का जवाब देने पर, मतलब कि अगर क्वेश्चन का गलत जवाब देते हैं तो उसमें से नंबर कटेंगे, तो उस हिसाब से स्कोर कितना होगा वो आपको निकालना आना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।